नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में हुई सांप्रदायिक हिंसा की सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। साय सरकार ने चुनावी वादे को पूरा करते हुए कैबिनेट बैठक में सीबीआई जांच का फैसला किया था, जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। और सीबीआई जांच को लेकर बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी का दावा यह है कि कांग्रेस के तुष्टीकरण से बिरनपुर जैसी घटना छत्तीसगढ़ में देखने को मिली। मेरे बेटे का गुनहगार बहुत जल्दी सलाखों के पीछे रहेगा। दरअसल केंद्र की अधिसूचना पर सीबीआई ने बिरनपुर मामले में एफआईआर दर्ज की है, जिसमें कुल 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है। जांच में तेजी दिखाते हुए सीबीआई टीम तत्काल प्रभाव से बिरनपुर गांव पहुंची और लोकल पुलिस से केस हैंडओवर दिया है। सीबीआई की एफआईआर पर भुवनेश्वर साहू के पिता और साजा के विधायक ईश्वर साहू ने कहा है कि खुशी की बात है, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। जल्द ही भुवनेश्वर साहू के हत्यारे सलाखों के पीछे होंगे। सीबीआई की एफआईआर पर अब सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी सरकार का दावा यह है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए बिरनपुर कांड की सीबीआई जांच नहीं करवाई, और ऐसे में साय सरकार ने सीबीआई जांच का फैसला लिया, जिससे साफ हो सके कि हिंसा के पीछे के साजिशकर्ता कौन कौन थे। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल ना हो और प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई न की जाए। आज अच्छी खबर मिला है कि सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। अब बहुत जल्दी मेरे बेटे के कातिल, मेरे बेटे का हत्यारा, मेरे बेटे का गुनहगार बहुत जल्दी सलाखों के पीछे रहेगा। अभी स्पष्ट हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि मेरे बच्चे की असली कातिल कौन है। बिरनपुर में भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई और तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार भुवनेश्वर साहू को होना पड़ा, और बाद में उस घटना के बाद सरकार ने एक तरफा कार्यवाही की, एक पक्षी कार्यवाही की, और इसके कारण से उस घटना की सीबीआई से इंक्वायरी आवश्यक हो गया था, और इसलिए हमारी सरकार ने तय किया सीबीआई इंक्वायरी कराने का, ताकि ईश्वर साहू को, भुवनेश्वर साहू को न्याय मिल सके। कोई भी एजेंसी हो, निष्पक्षता से काम करना चाहिए। तथ्यों के आधार पर हम चाहते हैं किसी की जांच हो, कोई परवाह नहीं है, लेकिन प्रतिशोध की भावना से नहीं होना चाहिए, बदली की भावना से नहीं होना चाहिए, और अफसरों को और एजेंसीज को दबाव में काम नहीं करना चाहिए। ये हम लोग तमाम लोग कहते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है। सारी एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, इनकम टैक्स का, सीबीआई का, ईडी का, लगातार विपक्ष के लोगों को टारगेट किया जाता है, दबाव बनाकर कहीं ना कहीं उनको सरेंडर करवा रहे हैं या उनको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो विपक्ष की आवाज़ को दबाना भी अच्छी बात नहीं लोकतंत्र में। तो सीबीआई जांच कहां तक, आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रखने के लिए। बाबूलाल शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बाबूलाल शर्मा जी, मैं आपसे ही शुरुआत कर लेती हूँ। एक साल बाद फाइनली भुवनेश्वर साहू हत्या के मामले में अब सीबीआई जांच शुरू हो गई है, और ईश्वर साहू से मुलाकात भी की है सीबीआई की टीम ने। बिल्कुल, सीबीआई की टीम उसको अपने हाथ में ले ली है, ये एक अच्छी खबर है। और जिस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह उस हत्या में लगे हुए थे, कई प्रकार की बातें उठ रही थी, कुछ जवाब ठीक से नहीं आ रहा था, उसका जवाब स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर ये घटना घटी तो घटी कैसे, कौन लोग इसके अंदर में थे, किस तरह का वो माहौल था और किस किस प्रकार से वो घटना घटी। बारीक से बारीक बातों को सीबीआई निकालेगी। ये बिल्कुल सही है, अभी जो मैं सुन रहा था कांग्रेस के लीडर कह रहे थे कि भाई बदले की भावना तो नहीं होना चाहिए, निश्चित रूप से बिरनपुर का मामला भी एक बदले की भावना का घटना है। अब जो है सरकार द्वारा बदला नहीं लिया जाना चाहिए, किसी प्रकार की गलत बातें नहीं होनी चाहिए। सीबीआई के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने कहा एजेंसी को दुरुपयोग हो रहा है, ये भी एक शंका जो है पूरे देश भर में चल रही है, चर्चाओं में लोगों के बीच ये बात है कि केंद्र सरकार जो है वो संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, तो वो बातें भी ना आए और लोगों को लगे कि हाँ भाई सही जांच हुई है,
और सही निष्कर्ष सामने आया है, क्योंकि सीबीआई जांच बहुत महत्वपूर्ण जांच होती है, इसमें ईमानदारी से जांच हो और जो भी बात सामने आए और जो भी दोषी हो उनको सजा मिले, निश्चित रूप से हर व्यक्ति यही चाहेगा। जी सचिन पायलट ने जो कहा है, जिसका जिक्र आपने अभी किया कि बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसका क्या मतलब है, वो क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि अभी तक ईडी और सीबीआई के और अन्य एजेंसियों के जो दुरुपयोग की बात सामने आई, आईटी के जिस प्रकार से छापे चुनाव के पहले पड़ते हैं, आरोप लगते हैं कि भाई ये सब दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, कांग्रेस के लोगों को, विपक्ष को दबाने के लिए, उनके लोगों को फोड़ने तोड़ने के लिए, ये आरोप जो है पूरे देश भर में चल रहा है, ये चर्चा में हर व्यक्ति के जबान पे ये बात है, और जो उनके समर्थक हैं वो उसको सकारात्मक रूप से कहते हैं कि वो अपनी एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी है जो ये कहती है कि दुरुपयोग किया जा रहा है और वे वजह जो है कांग्रेस या अन्य पार्टियों को तंग किया जा रहा है, ये भी चर्चा में रहता है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है और उस चीज की शंका व्यक्त की है कि भाई ये सीबीआई भी दुरुपयोग के मामले में ना आ जाए और सीबीआई कहीं अपने तरीके से जांच न करे, सीबीआई इशारे से काम न करे, सीबीआई के वो जो तोता कहा जाता था तोता ना बन जाए, इस तरह का जो है इशारा उन्होंने दिया है सचिन पायलट ने। ये ऐसा नहीं होना चाहिए और ईमानदारी से जांच होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं। ठीक है राजीव चक्रवर्ती जी, जो सचिन पायलट आशंका जता रहे हैं कि कहीं एक तरफा कार्रवाई ना हो, निष्पक्ष जांच इस मामले में होनी चाहिए, लेकिन आपको बताया कि कैबिनेट बैठक में आपने, ठीक है राजीव चक्रवर्ती जी अभी जुड़ेंगे तो मैं उनके पास जाऊंगी, फिलहाल बाबूलाल शर्मा जी से ही मैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। क्या बीजेपी जो माफ कीजिएगा जो कांग्रेस इसे चुनाव से जोड़ने की कोशिश कर रही है कि तीसरे चरण से पहले इस मामले को जानबूझकर उठाया जा रहा है, क्या इसमें सच्चाई है कुछ? देखिए मैंने कहा ना पूरे देश में इस तरह की चर्चा चल रही है, तो निश्चित रूप से अभी का जो समय तय किया गया वो संयोग है या वाकई में तीसरे चरण के पहले एक ऐसा माहौल बनाना, हिंदू और मुस्लिम वाला मसला बनाना, क्योंकि जो आरोपी जो हैं जिन पे आरोपी बनाया गया है वो सारे के सारे एक विशेष समाज से हैं, तो वे एक वहां पर हिंदू मुस्लिम की भावनाएं भड़के और उसका फायदा जो है पूरे प्रदेश में मिले, ये तो एक एजेंडे के तहत भी हो सकता है, ये भावना उन्होंने व्यक्त की है, तो इसलिए जो है निश्चित रूप से हिंदू मुस्लिम का मसला वहां पर हो सकता है, बात आ सकती है, और आरोपी सारे के सारे जो है वो विशेष समाज से हैं, ये इसलिए जो है सचिन पायलट ने इस बात को कहा है कि भाई ये जो है दुरुपयोग चुनाव के पहले इसीलिए किया गया है ताकि तीसरे चरण का चुनाव जो है प्रभावित हो, और उसका प्रयास जो है वो ही कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम की बात फैला करके हिंदू पोलराइजेशन का मसला बता रहे हैं सचिन पायलट, उनका इशारा वही है। बाबूलाल शर्मा जी, मैं क्योंकि अभी आप ही मेरे साथ मेहमान है, मैं चर्चा को आपसे ही आके बढ़ाती हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कैबिनेट बैठक में ये वादा किया था कि हम इस मामले में सीबीआई जांच कराएंगे, और अब इस वादे को पूरा करते हुए सीबीआई की जांच ना सिर्फ शुरू हो गई है बल्कि ईश्वर साहू तक भी सीबीआई की टीम पहुंच गई है। देखिए सीबीआई की टीम की जांच का मसला जहां तक है, एक समय था जब सीबीआई को एक विश्वसनीय एजेंसी माना जाता था, लेकिन फिर भी उसको तोता कहा जाने लगा था कांग्रेस के शासन काल में, ये माना जाता था कि सीबीआई इशारे पर काम करती है केंद्र सरकार के, तो ये बदनामी जो सीबीआई के साथ चिपकी हुई है, निश्चित रूप से सीबीआई जो है ऐसी जांच करे ताकि ये बदनामी उसकी खत्म हो और ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जिसमें जनता को भी ये महसूस हो कि सीबीआई की जो टीम आई है पूरी ईमानदारी के साथ जो है वो काम कर रही है, वो दिखना भी चाहिए, सिर्फ होना नहीं चाहिए दिखना भी चाहिए, लोगों को समझ में भी आना चाहिए कि वाकई में सीबीआई की जो टीम आई है वो बिल्कुल निष्पक्ष जांच कराने का प्रयास कर रही है, और जो बातें सच होंगी वो सच सामने आ जाएगा, किसी प्रकार का मोबिलाइजेशन न हो इस बात का ध्यान अधिकारियों को भी रखना पड़ेगा, अधिकारियों को स्वतंत्र दिमाग से काम करना पड़ेगा, किसी दबाव में अगर काम करेंगे तो फिर वही बातें आएंगी जो देश भर में चल रही है कि सीबीआई ने ऐसा कर दिया, सीबीआई ने वैसा कर दिया, और फिर सीबीआई को तोता कहा जाने लगेगा, तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है, हमारे देश की जो जांच एजेंसियां हैं उसके प्रति इतनी बदनामी का जो सुर निकलता है ये निश्चित रूप से देश के लिए भी अच्छा नहीं है, प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है, केंद्र सरकार की सरकार के लिए अच्छा नहीं है, लोगों के लिए अच्छा नहीं, नेताओं के लिए भी अच्छा नहीं है, और जनता के लिए तो है ही नहीं अच्छा, इसलिए जो है ईमानदारी बहुत जरूरी है, ईमानदारी के साथ हर व्यक्ति अपना काम करे और किसी के दबाव को महसूस न करे,
तो एक बहुत अच्छा वातावरण जो है पूरे देश भर में बनेगा। जी अबला शर्मा जी, मैं चाहूंगी कि एक बार आप इस पूरे जो भुवनेश्वर साहू हत्याकांड मामला था इसको पूरा बताइएगा विस्तार से, और राजनीतिक इम्पैक्ट इसका 2023 के चुनावों में क्या पड़ा है, कितना बड़ा ये मामला है? देखिए 2023 के चुनाव में इसलिए पड़ा इसका इम्पैक्ट क्योंकि अमित शाह जी ने एक मंच से ये बात कही थी कि उनकी माने भुवनेश्वर साहू की शहीदी को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने आपस के झगड़े में हुई इस घटना को के मृतक के नाम पर शहीद का नाम चस्पा किया, और उसके बाद जो है हिंदू वर्ग जो है वो इस बात को सोचने लगा, विचार करने लगा, और उनके अंदर मन में एक भावना आई। तो इस कारण से जो है ना, इस बात को समझिए कि जो घटना घटी है वो घटना तो गांव के अंदर घटी हुई घटना है, निश्चित रूप से जो है आरोपी पक्ष है वो पूरा का पूरा एक विशेष वर्ग से होने के कारण ये मुद्दा ऐसा डाइवर्ट हो गया और वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बन गया। इसलिए जो है इसको चुनाव से जोड़ करके भी देखा गया और आज भी चुनाव के जोड़कर देखा जा रहा है, और निश्चित रूप से जो है ये बात समझ में आती है। ऐसा लोग अभी भी कहेंगे कि चुनाव तीसरे चरण का बाकी था, इसलिए जो है केंद्र सरकार ने यह दांव चला है कि सीबीआई को इस दौर में भेजा है ताकि तीसरे चरण का चुनाव प्रभावित हो, पूरे देश में जो है हिंदू मुसलमान की बात आ जाए और कहीं ना कहीं जो है वो इसका लाभ जो है किसी न किसी हाल में भारतीय जनता पार्टी को मिले, ऐसा विचार और ऐसी चर्चा निश्चित रूप से चलेगी। कहीं ना कहीं जो है इसके समर्थक है तो विरोधी भी है, तो विरोधी तो इसी ढंग से सोचेंगे कि ये सब चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है और चुनाव को देख करके ही किया जा रहा है। इसीलिए जो है मैं बार बार कह रहा हूँ कि सीबीआई को इस वक्त बहुत बड़ी परीक्षा देनी है, परीक्षा में पास होना है और निश्चित रूप से उसको ईमानदारी के साथ में जांच करनी चाहिए। जी और बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात ये नहीं है बाबूलाल शर्मा जी कि बीजेपी ने वादा किया, कैबिनेट में फैसला लिया, और परिवार के लिए कितनी बड़ी राहत की खबर है कि उनकी तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि इस मामले में सीबीआई ही दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती है। और ईश्वर साहू ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यह बात भी कही है कि अब सच सामने आएगा कि आखिर हुआ क्या था। देखिए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, ईश्वर साहू जो उनके पिता है वो भी, उन्होंने तो संसद सदन में भी इस बात को कहा, विधानसभा के सदन में इस बात को कहा है कि मेरे बेटे की मौत का जिम्मा जो है किसका है, कौन ने किया, सारी चीजें सामने आनी चाहिए, मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूँ, सदन में भी मांग की उन्होंने। हालांकि उसको उस वक्त उतना तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन वो संज्ञान में सरकार ने लिया इस बात को कि उनका दर्द को समझा, और निश्चित रूप से एक पिता जिसका पुत्र खोया है वो चाहेगा कि उसके अंदर से जो भी पर्दा लगा हुआ है, जिस तरह की चर्चाएं इधर उधर की चर्चाएं चल रही है, कई प्रकार की शंकाएं जिसमें पैदा हो रही हैं, वो सारी शंकाएं दूर हो और जो वास्तविकता है वो जनता के सामने आए और एक पिता के हृदय को शांति मिले कि भाई मेरे बच्चे के साथ जो उस घटना के जितने भी आरोपी हैं वो पकड़े गए और उनको सजा मिली, पर्याप्त सजा मिली, तब उनका मन शांत होगा। तो निश्चित रूप से ये बात तो बिल्कुल सही है कि सीबीआई जांच की मांग करना कोई गलत नहीं है। सीबीआई एक ऐसी संस्था मानी जाती थी जिसको कहा जाता था कि सीबीआई अगर जांच कर ले तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तो आज की स्थिति जो है देश में अलग है, आज की स्थिति में केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगते हैं, ये सब जो है इनके इशारे पे काम कर रहे हैं, ये जो दुविधा आज आई है, ये जो शंकाएं आज पैदा हुई है, इन शंकाओं का समाधान करने के लिए जिम्मेदारी जो है वो पूरी सीबीआई की जो दल आया है उसके ऊपर है, उनको चाहिए कि शंकाओं को न पनपने दें। ठीक है बाबूलाल शर्मा जी, कांग्रेस के गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं अंशुल मिश्रा जी। अंशुल जी स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जो बिरनपुर में जो हत्या हुई भुवनेश्वर साहू की, अब इस मामले में सीबीआई जांच होगी फाइनली एक साल बाद, कांग्रेस कैसे देख रही है इसको? अभी दो चरण के लगभग चुनाव मोहतरमा संपन्न हो चुके हैं और ये बहुत बड़े कयास लगाए ही जा रहे थे कि प्रथम चरण में आप देखेंगे तो मोदी का मैजिक बहुत तरीके से नहीं चला, निष्पक्ष मीडिया ने भी आपने भी बहुत सारी बातें कर दिखाई हैं, और द्वितीय चरण में भी आपने देखा है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बाकी के अन्य राज्यों में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। तो ये तो उनका एक ट्रंप कार्ड था, जनता को बरगलाने का एक ट्रंप कार्ड था। चलिए अगर अपन राजनीतिक चश्मे से इन सब बातों को नहीं देखते तो सिर्फ बीरनपुर की घटना की सीबीआई जांच क्यों होना चाहिए? मैं तो यह कहता हूं कि ना केवल बीरनपुर की घटना की सीबीआई जांच से आपत्ति है कि आपको कि सीबीआई जांच होनी नहीं चाहिए इस मामले में। मैं
मैं वही कह रहा हूं कि क्यों ना होना चाहिए, ना केवल बीरनपुर की घटना की, देश की हर एक ऐसी घटना की जिसमें जिसमें इस प्रकार का कृत्य हुआ है वहां पर होना चाहिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर ले, चाहे हथरस की बात कर ले, चाहे वो महिलाओं की बात कर ले, जिस प्रकार से चाहे मणिपुर की बात कर ले कि उसके पीछे कौन था। ये सिलेक्टिववाद की राजनीति सीबीआई क्यों करने लगी, मेरा सबसे प्रमुख प्रश्न यह है। सीबीआई की जांच होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सीबीआई थोड़ी तय करेगी कि सीबीआई को कौन से मामले की जांच करनी चाहिए। सीबीआई जांच की मांग उठ रही थी, उसमें कैबिनेट में फैसला लिया गया, फिर केंद्र से अनुमति मिली है, तो सीबीआई ने केस अपने हैंडओवर ले लिया है। नहीं, सीबीआई क्यों तय नहीं करेगी, अगर अगर राज्य सरकार चाहेगी तो सीबीआई जांच हो सकती है। उत्तर प्रदेश में जो 5 घटनाएं हुई है उसमें राज्य सरकार क्यों नहीं चाहती है कि सीबीआई की जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो, क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। यही जो दोहरे चरित्र की राजनीति आज हो चुकी है, आज जो स्वतंत्र एजेंसियां हुआ करती थी, जो खुद से पहले आज सन 2014 के पहले चाहती थी और ये देखती थी कि किसने काम क्या किया और किसने नहीं किया है, आज सिर्फ और सिर्फ इन सारी एजेंसियों का राजनीतिकरण हो गया है। चाहे आपने अभी पिछले हाल ही में निकटतम भविष्य में देखा होगा कि ईडी किस प्रकार का हथकंडा अपनाती है कि चलते हुए राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों को अंदर कर जाती है, बाकी के इनके जो तथाकथित बीजेपी के मुख्यमंत्री होते हैं उनके ऊपर आती ही नहीं है। सीबीआई के पास ही क्यों करना है कि इस केस को ज्यादा चलाने और इस केस को कम करना है, इस बात को तय कौन करेगा? सीबीआई तय करेगी कि राज्य सरकार तय करेगी कि प्रधानमंत्री का गृह मंत्रालय तय करेगा? यह प्रमुखता से प्रश्न है, ये प्रमुखता से ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन इस प्रश्न का जवाब देने के लिए चलती हुई सरकार जो मेरे देश के हुक्मरान है वह लंबे थे, आज हाशिए पर रखा हुआ है क्योंकि पिछले 10 वर्षों में इन्होंने कोई काम नहीं किया और बल्कि जो स्वतंत्र एजेंसियां कांग्रेस द्वारा जनित हुई थी उनके ऊपर अपना मकड़ जाल दबाते हुए दबा के। अगर अब आपको नहीं लगता कि सीबीआई जांच का आपको स्वागत करना चाहिए, जब परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था आपने खारिज किया, बीजेपी ने कैबिनेट में ये फैसला लिया और अब जाकर सीबीआई जांच शुरू हो गई, तो आप कांग्रेस पार्टी को क्या इसका स्वागत नहीं करना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं यही तो जवाब आपको देना चाह रहा हूं कि अगर वह परिवार सीबीआई जांच की बात कर रहा था तो वह परिवार परिवार हो गया क्योंकि उस समय बीजेपी कांग्रेस की सरकार उस परिवार के ऊपर थी। ऐसे ही चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लें, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, चाहे मणिपुर की बात कर लें, वहां पे भी तो हजारों परिवार सीबीआई जांच की बात कर रहे थे। सीबीआई जांच का कांग्रेस स्वागत करती है या फिर नहीं? मैं आपसे क्या कह रहा हूं मोहतरमा, 2 सेकंड सुनेंगे, वक्त देंगे तो समझ में आएगा आपको। ऐसे हजारों परिवार हैं जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो क्या उन परिवारों में क्या उनके बेटे नहीं होंगे, क्या उनकी बच्चियां नहीं होंगी, क्या उनके यहाँ महिलाएं नहीं होंगी? उनकी भावना यहाँ जो आज दिनांक तक आहत हो रही है पिछले 7 वर्षों से, उसका तो क्या? आपने ये भावनाएं अभी अब से थोड़े दिन पहले आपने ये भावनाएं क्यों नहीं समझी थी जब इस मामले में सीबीआई जांच की मांग उठ रही थी? कांग्रेस हर उस सीबीआई जांच का, हर एक परिवार का, भावनाओं का, आहत का सम्मान करेगी जब सीबीआई जो है निष्पक्षता से काम करेगी। अनिष्पक्षता से जो काम करेगा कांग्रेस उस बात का स्वागत नहीं करेगी। कांग्रेस इस बात का स्वागत करती कि मेरे पूरे देश में आपको लगता है कि इस मामले में निष्पक्ष तरीके से सीबीआई जांच नहीं करेगी? लगता क्या है, मैंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। आप पूछती हैं कि बीरनपुर की घटना में सीबीआई जांच हो रही है, मैं पूछता हूं कि हथरस की घटना में सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है? नहीं, आप बीरनपुर पर बातचीत कीजिए ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि अंशुल जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि सीबीआई निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं करेगी, तो क्यों नहीं करेगी आप बताइए, क्या डर है? हाँ, वही मैं बात कर रहा हूं कि पिछले 10 वर्षों में बीजेपी ने कोई कार्य नहीं किया, कुछ काम नहीं किया, और यह सिर्फ महज संयोग नहीं, एक तथाकथित किया गया प्रयोग है कि इसी समय पर क्यों आना। और आपने कहा सिर्फ बीरनपुर की बात करिए, मैं क्यों सिर्फ बीरनपुर की बात करूं? क्योंकि हम चर्चा बीरनपुर पर कर रहे हैं और यह मामला इतना छोटा नहीं है जितना छोटा आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे यह पूछ रहा हूँ कि बीरनपुर के साथ साथ मेरे समूचे हिंदुस्तान में जिस प्रकार की जो घटना हुई है, क्या वो मेरे देश की घटना? खोलिए ना आप मोर्चा, आप घर में क्यों बैठे हैं? आप मोर्चा खोलिए, सड़कों पर आइए, आप सीबीआई जांच की मांग कीजिए। मोहतरमा, कितनी बड़ी बात बोल दी कि आप घर पर बैठे हैं, हम दिन दुगनी रात चौगनी संघर्ष और आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सोई हुई सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही। उत्तर प्रदेश चले जाइए आप, मध्य प्रदेश चले जाइए आप, दिल्ली दरबार चले जाइए। ठीक है अंशुल जी, आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, मैं उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी से ले लेती हूँ। राजीव जी, आपका भी स्वागत है, देरी से जुड़े आप, लेकिन जवाब दीजिएगा। जो अंशुल जी सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ बीरनपुर केस की ही जांच क्यों, ऐसे तो बहुत सारे केस है, उन सबकी जांच सीबीआई से करवा लीजिए, और उनको शक भी है कि सीबीआई इस मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी। बीरनपुर की जांच की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि
इसमें इस मामले में हमने चुनावी मैनिफेस्टो में बात की थी कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम बीरनपुर पर बात करेंगे, और आज चुनाव है, चुनाव के बीच में ही ये इसकी बात हमने पहले से इस सीबीआई को हमने दरखास्त की दी थी। सीबीआई यहाँ बैन थी, उपेंद्र सरकार ने सीबीआई को बैन कर दिया था, उस बैन को हमने हटाया और बीरनपुर एक विभत्स मामला था, किस प्रकार से एक एक बच्चे की सबने मिलकर हत्या की और इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए, हम चुनाव में दर दर जनसमूह में कहा था, इसीलिए आज वो समय आ गया, हमने इसकी इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी है। तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द हो लेकिन जनता जनार्दन हमारे साथ है। अंचल जी, छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर मैं बाबूलाल शर्मा जी के पास जाऊं। जी, इन्होंने कितनी कि आपको क्या दर्द हो रहा है अगर सीबीआई जांच कर रही है इस मामले में तो? बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने कितनी सुंदर बात कही, इनकी रीति नीति चाल चरित्र किसी घटना को लेकर राजनीतिकरण कैसे करते हैं उनकी खुद के श्रीमुख पर आ गया। इन्होंने कहा कि हमने चुनावी मैनिफेस्टो में कहा था, तो अगर आपने चुनावी मैनिफेस्टो में कहा था तो अभी भी तो आपने चुनावी मैनिफेस्टो निकाला है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि देश में 1750 जो पेंडिंग पड़े हुए केस है, जिनके ऊपर मेरी बहन बेटी माताओं को मारा गया है, बीजेपी के नेताओं द्वारा माना गया है, जिस पर कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है, प्रश्न खड़ा करती है, उस समय आपका चुनावी मैनिफेस्टो कहां गया था? उस समय आपका चुनावी मैनिफेस्टो लिखने वाला कैसे हो गया था? मैं यही तो बात कर रहा हूं कि आप किस प्रकार की राजनीति की बात करते हैं, आप किस प्रकार की भ्रमवाद की बात करते हैं। अंशुल जी, अंशुल जी एक मिनट रुकिए, राजीव जी लास्ट कॉमेंट आपका, राजीव जी लास्ट कॉमेंट। देखिए, बीरनपुर की घटना की हम सीबीआई जांच कराएंगे, ये हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था, हर जनसभा में कहा, हमारी सरकार आई, हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि सरकार आने के बाद सीबीआई को बैन कर दो, जांच बंद कर दो और खुलेआम ठेके पर हत्याएं। ठीक है, एक छोटा सा जवाब बाबूलाल जी से ले लेती हूँ। इस तरह से, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता सीबीआई जैसी एजेंसी पर सवाल उठा रहे, क्या ये जायज है? अभी तो जांच शुरू हुई है, अभी कम से कम थोड़ा इंतजार कीजिए। बाबूलाल शर्मा जी, देखिए, किसी किसी की जबान, किसी का अभिव्यक्ति को रोका नहीं जा सकता, अभिव्यक्ति तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक बात मैं अभी से कह देता हूं कि यदि इस केस में सीबीआई ने ये निष्कर्ष निकाला कि इसमें सरकार की लापरवाही थी और या सपोर्ट किसी कांग्रेस के व्यक्ति का था, ऐसा अगर कोई निष्कर्ष निकला तो निश्चित रूप से फिर से देखना आप राजनीतिक रूप से जो आरोप प्रत्यारोप फिर शुरू हो जाएंगे कि सीबीआई तोता है और सीबीआई ने गलत किया, राजनीतिक जांच की है, राजनीतिक निर्णय निकला है। ठीक है, ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अभी जांच शुरू हो गई है और ये आज कहां तक पहुंचेगी, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की रहेगी इस पर नजर। आज के लिए दिन दहाड़े में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।